हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नीलम और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब। और व्लॉग मैंने शुरू किया है शाम से। बेसिकली ये सोफ़ा मैंने सुबह में अरेंज किया था, बट जब भी बच्चे घर में होते हैं तो बेड बोल लीजिए, आप सोफ़ा बोल लीजिए, जहाँ भी बच्चे बैठेंगे, खेलेंगे, सोएंगे, उसे आपको एक बार फिर से तो अरेंज करना ही पड़ेगा। कपड़े मैं उतार कर लाई थी, ये सूख चुके थे, तो बस इन्हें भी फोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा सोफ़ा अरेंज करूँगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सोफ़ा मेरा थोड़ा सा जल गया था, तो उसको हाइड करने के लिए हम लोगों ने ये काइंड ऑफ कवर्स ऑर्डर कर दिए थे और ये आ गए, तो मैंने इनको लाइन कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, शाम का वक्त है तो मैं बस अभी दीपक जलाऊंगी और बच्चों लोगों को थोड़ा चाय नाश्ता दूंगी, मतलब उन लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी, चाय नहीं ऑफ कोर्स, और जो बनाऊंगी वही मैं ले लूंगी। शर्मा जी घर में नहीं थे इसलिए, वो होते हैं मुझे कंपनी देने के लिए, तो मैं फिर ज़रूर से चाय ही बनाती हूँ। मेरे लिए सुबह में एक चाय और शाम में एक चाय काइंड ऑफ कंपल्सरी है, बट वो भी तभी जब कंपनी हो, नहीं तो मैं एक ग्रीन टी पी लेती हूँ एज सच, फिर अकेले मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती। तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे शेक बच्चों के लिए। मैं सीताफल लेकर आई थी और मेरे बच्चों को सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल पसंद तो है, तो इसका शेक भी वो लोग बड़े प्यार से पी लेते हैं और काफ़ी अच्छा बन भी जाता है। तो बस सीताफल का शेक मैं बनाने लगी थी, विच इज़ वेरी ईजी। सिर्फ आपको पके हुए सीताफल लेने हैं, उसका पल्प आपको बनाना है। मैं इस तरह छलनी में इसको कर लेती हूँ, तो जो बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो पल्प है वो नीचे चला जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग थिक रेसिड्यू है वो सारा आप मिला लीजिए और बस आपका पल्प हो गया तैयार। इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है और इस पल्प के साथ आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जिसमें सीताफल का इस्तेमाल होता हो। फिलहाल मैं बना रही हूँ शेक। तो एक ब्लेंडिंग जार में मैंने ले लिया है ये जो पल्प निकला था वो, और डालूंगी दूध। बेसिकली जो शेक्स होते हैं ना, अगर आप उन्हें मार्केट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो उसमें आइसक्रीम जाती है, पर आइसक्रीम मेरे पास थी नहीं, तो मोर और लेस सेम फील देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और एक केला मैं ऐड करूँगी। आप अगर आइसक्रीम डालकर बना रहे हैं तो फिर आपको केला और कंडेंस्ड मिल्क दोनों ही डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सीताफल का पल्प, एक केला, कंडेंस्ड मिल्क और थोड़ा दूध, उतना दूध जितना कि मुझे ये सब चीज़ों को मिक्सी करने में ईजी रहे, क्योंकि मुझे अभी इसे ना प्योरी करना है। अगर मैं सारा दूध अभी डाल दूँगी तो केले के जो चंक्स हैं वो रह जाएंगे। तो थोड़ा दूध डाल के मैंने इसको एक स्मूथ प्योरी जैसा बना लिया है, और एक बार स्मूथ प्योरी तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें फिर और दूध जितना मुझे चाहिए मिल्क शेक बनाने के लिए वो सारा ही ऐड कर दूंगी। मेरे हिसाब से इतना मीठा ठीक था, आपको अगर कम लगता है तो आप थोड़ी चीनी मिला सकते हैं। तो यहाँ सीताफल शेक हो गया है तैयार, बच्चों के लिए मैंने सर्व कर दिया है उनके मेसन जार में। और मेरा जो सर्व है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब। ये एक ब्लेंड है प्रोटीन एंड हर्ब का, बेसिकली फॉर वुमेन एंड फीमेल ओवरऑल हेल्थ को ध्यान में रखकर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कंट्रीब्यूट करता है मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस और स्किन एंड हेयर ब्लेंड भी है इसमें, यानी ऐसे इंग्रेडिएंट का मिक्स जो आपके स्किन और हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ डाइजेस्टिव ब्लेंड और ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो शुगर फ्री है। इसमें स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है।
ये एक सोय फ्री ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, नॉन जीएमओ है, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है और बॉडी टोनिंग, स्किन हेयर, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। ये है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड अबव ऑल ये है मेड इन इंडिया ब्रांड। तो अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपके स्मूदीज एंड शेक में आप एक स्कूप भर कर डाल सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मेरी तरह आधा चम्मच लीजिए। आप इसको आपके शेक्स में, स्मूदीज में तो मिला ही सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल जो प्रोटीन मिक्स जैसे हम तैयार करते हैं ना, प्रोटीन ड्रिंक, पानी में सिर्फ इसका इस पाउडर को मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और वो आप पी सकते हैं। ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब एक डाइटरी सप्लीमेंट है फॉर प्रोटीन फुलफिलमेंट, जो हमारी डाइट से कभी कभी हमको नहीं मिल पाता है, तो वो जो स्कार्सिटी है उसको फुलफिल करने के लिए आप इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। शानो खुशी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बनाने लगी हूँ पहले तो गरम मसाला। मुझे बनाना तो था डिनर, लेकिन मैंने देखा गरम मसाला ख़त्म हो गया है, तो आई थॉट कि चलो पहले यही बना लिया जाए, बिकॉज़ चाहिए तो है ही। तो बस मैं थोड़ा सा जो मेरे गरम मसाले हैं जिनका मैं ब्लेंड बनाने वाली हूँ, इनको हल्का सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट भी नहीं करते हैं इसको, बेसिकली सिर्फ थोड़ा गर्म करना होता है जिससे इसका मॉइस्चर उड़ जाए। और मेरे गरम मसाला की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसलिए यहाँ ये रेसिपी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, पर इस मसाले का इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत वक्त से कुछ लोगों के मतलब कमेंट्स भी आ रहे थे कि आजकल आप बहुत बेसिक खाना बनाने लगे हो, कुछ स्पेशल रेसिपीज भी शेयर किया कीजिए। गाइज, स्पेशल रेसिपीज मेरे पास है, मैं शेयर भी कर सकती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब खानी तो हमें पड़ती हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना ब्लेंड देखना पड़ता है कि हल्का भी रहे और भारी भी रहे, हर तरह की रेसिपीज मैं आपको दे पाऊँ। रोज रोज हैवी तो मैं क्या आप भी नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी हैवी, हर तरह की रेसिपीज, इनफैक्ट कुछ बेकरी, कुछ स्वीट, हर तरह का मिक्सचर आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल रेसिपी पे आते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें मैंने, ये तो छोटे छोटे प्याज थे इसलिए 3-4 ले लिए, आप एक बड़ा प्याज, इनफैक्ट 2 मीडियम साइज के प्याज ले लीजिए। इसको बहुत फाइन नहीं चॉप करना है, क्योंकि हमें बाद में इसका जो है मिक्सी करके एक मसाला ही बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा चॉप कर लीजिए प्याज को, और जिंजर, गार्लिक और टमाटर भी डाल दीजिए, और इसको हमें थोड़ी देर पकाना है, तब तक कि जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा नमक अभी डाल दिया है जिससे प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। हैंडफुल भी नहीं है, ये गिनती में 18-20 होंगे, इतने काजू मैंने डाल दिए हैं। आप चाहें तो जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल मैं बनाने लगी हूँ आज मशरूम की सब्ज़ी, मशरूम मटर मसाला कह सकते हो आप इसे, बहुत हेल्दी एंड इक्वली टेस्टी सब्ज़ी होती है ये। तो मशरूम मैं लेकर आई थी, और उधर मैंने मसाला जो है वो भुनने ऑलरेडी रख दिया है, इधर मशरूम मैं क्लीन करूँगी। मटर को मैंने गर्म पानी में रख दिया है, और मशरूम को मैं एक हल्का बॉईल दूंगी, तो इसके लिए पानी मैंने चढ़ा दिया है। अच्छा, मशरूम को साफ़ करने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस तरह पतली पतली इसकी स्किन उतार लीजिए जो अपने आप उतर जाती है बड़े आराम से, कोई हेडेक नहीं है इसमें, या तो फिर आप इसे मैदा से रब करके साफ़ कर लीजिए। पर क्योंकि थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा मैं इसकी स्किन निकाल लेती हूँ। और मशरूम तभी प्रोसेस कीजिए जब आपको पकाने हैं, आप इसको काट के रख नहीं सकते हैं, वरना ये कलर होने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए पानी जो है साइड में पहले ही चढ़ा दिया है कि जब तक मैं इनसे डन हूँ पानी तैयार हो जाए, और बस मैं फटाफट प्रोसेस करना शुरू करूँ। सारे मशरूम मैंने क्लीन कर लिए, एक हल्का सा रिंस दे दिया है, इनको पानी से भी बचाना होता है जब तक आप कुकिंग ना शुरू करें, और अच्छी तरह एकदम साफ़ हो गया। आप देखिए कितने फ्रेश और सफ़ेद मशरूम हैं। ये बाय द वे बटन मशरूम्स हैं, एडिबल हैं, और ये वेजिटेरियन होते हैं,
इनको मैं अभी काट लूँगी। आप मोटा पतला आपकी मर्ज़ी के हिसाब से काट सकते हैं, बट बिकॉज़ मैं एक करी बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा काट रही हूँ। उनको मैंने उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ ये मसाला ठंडा हो गया तो मैं इसे पीस लूँगी। और जिस पानी में आप मशरूम को उबाल रहे हैं उसमें ज़रा सा हल्दी डालिएगा, इससे मशरूम को अच्छा सा कलर मिलेगा, बिकॉज़ मशरूम का कलर एज इट इज़ बहुत अच्छा वाला होता नहीं है। तो मसाला भी पिस गया है। यहाँ एक दही का पेस्ट बनाएंगे हम। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर। और ये मसाला ग्रेवी के लिए बन रहा है, पर इसको अब अच्छी तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी है वरना दही फट जाएगी। इसको बहुत ही अच्छा बीट कर लीजिए, एकदम ही यूनिफॉर्म सा मिक्सचर तैयार कर लीजिए और फिर साइड में रख दीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रेवी बनाना। तो एक एक करके मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, बाकी रह गया सिर्फ मशरूम को प्रोसेस करना। एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा बटर और इसमें मैं मशरूम को ना सौते करूंगी। ये कुक्ड है, इन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कलर भी देने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा टोस्ट कर लीजिए। आप जब मशरूम उबालेंगे ना तब आपको पता चलेगा एक स्मेल है, उस स्मेल को अवॉइड करने के लिए ये स्टेप किया जाता है और ऑब्वियसली टेस्ट तो इससे बढ़ ही जाता है। सिर्फ एक मिनट के लिए आप सौते कीजिए बटर में। और यहाँ कढ़ाई में मैंने जो दही वाला मिक्सचर बनाया था वो और जो प्याज टमाटर का मसाला भुना था वो दोनों ही एक साथ मिला दिए हैं और इन्हें मैंने कुक करना है। इसे कुक होने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है पर हमें बेसिकली इसको भूनना है। इसमें मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी और इस मसाले को पकने में आराम से 8-10 मिनट लगते हैं। ऐसे आपको देखकर लग सकता है किसी भी स्टेज पे कि ये तैयार है, पर हमको इसे काफ़ी रिड्यूस करना, इसका मॉइस्चर उड़ाना है, इसको एकदम ही यूनिफॉर्म मसाला भून लेना है। जब आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तो इसका कलर, स्वाद, टेक्सचर सभी इम्प्रूव हो जाएगा और आप जब इस तरह बनाएंगे और खाएंगे तब आपको महसूस होगा व्हाट डिफरेंस इट क्रिएटेड। तो इसको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ जब तक इसका मॉइस्चर जितना हो सके वो उड़ जाए, क्योंकि इस मसाले में काजू पड़े हुए हैं इसलिए तेल तो छोड़ेगा नहीं, काजू नहीं होते तो ये तेल भी छोड़ देता, पर मैंने इसको एकदम ड्राई होने तक अच्छे से भून लिया है। इसके बाद ये जो मशरूम मैंने बटर टोस्ट करे थे ये ऐड कर दिए हैं मसाले में। 1-1.5 मिनट का मैं इसको स्टर टाइम दूंगी और इसके बाद ऐड करेंगे हम मटर। और मटर मुझसे सभी लोग पूछते हैं कौन सी ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ। मैं बहुत लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई भी कर चुकी हूँ, मैं सफल ब्रांड का मटर यूज़ करती हूँ और इसको स्टोर किया जाता है हमेशा फ्रीज़र में। तो मटर मैंने ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में, थोड़ा सा इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, सौते कर लूँगी। और इसके बाद ब्लेंडिंग जार में जो मसाला था वो थोड़े पानी की मदद से मैंने निकाल लिया है और वही ऐड किया है यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए। मेरे हिसाब से सब्ज़ी थोड़ी थिक है तो मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी, पर कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमें सब्ज़ी को किस चीज़ के साथ खाना है उसका भी बहुत असर पड़ता है कंसिस्टेंसी पे। हम इसे चपाती के साथ खाने वाले हैं इसलिए से बहुत गाढ़ा नहीं रखूंगी। आप पूरे पराठा नान के साथ करें तो और गाढ़ा रख सकते हैं, राइस के साथ कर रहे हैं तो ऐसा चलेगा। थोड़ा नमक वगैरह चेक कर लीजिए और सारी की सारी चीज़ें, सीजनिंग, कंसिस्टेंसी वगैरह एडजस्ट करके इसे कुक होने दीजिए। कुछ 5-1 मिनट का वक्त लगेगा बिफोर आपको लगे कि राइट कंसिस्टेंसी वगैरह अचीव हो गई है। कम से कम 5 मिनट का ना स्लो मीडियम गैस पे इसे कुकिंग टाइम दीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें और मसाले अच्छे से एक दूसरे के साथ हिल मिल जाएं। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला। और अब आप समझ गए होंगे कि आज गरम मसाला बनाना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ऐसी स्पेशल सब्जियों का जो टेस्ट है वो मसाले के बगैर अच्छा वाला नहीं आता है। थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई डाली है, गैस मैंने बंद कर दी है और ये मलाई मैंने मार्केट से लाया है, आप चाहें तो घर की मलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स दीजिए, बस सर्विंग बोल में निकाल लीजिए, इसे और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यमी और फ्लेवरफुल बनती है। मैं आपको शर्मा जी का रिव्यू सुनाऊंगी, वो बहुत चिढ़ते हैं मशरूम के नाम से पर खाते हैं तो उन्हें हमेशा ही पसंद आता है। आप ये सब्ज़ी जब आपको स्पेशल फूड बनाने का मन करे तब बना सकते हैं, आपके गेस्ट मेन्यू में भी रख सकते हैं। तो इसके साथ जाने के लिए मैं बना रही हूँ एक रायता, बूंदी का रायता मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ।
हाउ इज इट शर्मा जी? बहुत ही बढ़िया। ये ना एक्चुअली चाय मशरूम ना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा मशरूम तो दिया बट फिर भी बहुत बढ़िया बनी है। पहली बार थोड़ी खा रही हो? नहीं मींस वैसे थोड़ा डार्क कलर है तो मुझे मशरूम नहीं दिखा। मतलब ग्रेवी ज़्यादा है ऐसा? हाँ। इसलिए मशरूम, बिकॉज मशरूम पक्के थोड़े से हो जाते हैं। हाँ, खुशी थैंक यू। पहला बाइट लिया ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग शादियों में जाते थे ना पहले। हाँ। तो शादियों में सब्जी का ना वो पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एकदम स्पेसिफिक टेस्ट होता है। नॉर्थ में बिल्कुल वही टेस्ट है। अच्छा है ना, मटर मशरूम अच्छी ही बनती है। तो हमेशा नाराज होते जब मैं मशरूम का पैकेट लेती हूँ, पर खाते प्यार से। अच्छी है, अच्छी। थैंक्स, वेरी यम्मी, बहुत अच्छा बना है। ओए ओए थैंक यू। खाना हो गया? हाँ जी। बैग लग गया? हाँ। नहीं लगा? बैग नहीं लगा। एंड यू आर वॉचिंग टीवी बेटा? पहले है ना, कल सुबह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है ना, लाइक बैग लगाना वो सब कर लो, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखना, फिर सो जाना। और बाय द वे सानवी एंड खुशी ने शाम में शावर लिया था, इसलिए उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये वाला टॉप मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने मेरे लिए मंगाया था क्लब फैक्ट्री से, पर साइज़ कम आ गया। पर इतना छोटा था ये, मतलब जो स्लाइट वेरिएशन होता है ना साइज़ का, वो नहीं था, काफ़ी छोटा था ये। तो फिर मुझे लगा कि इसको, वैसे भी क्लब फैक्ट्री की रिटर्न पॉलिसी बेकार है, तो मैंने सोचा इसको रिटर्न कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, रख लेती हूँ, सानवी खुशी को आ जाएगा। और एकदम ठीक आ रहा है शानू, ऐसे बेटा आम लंबा करके दिखाओ। हाँ एकदम करेक्ट आ रहा है। स्टार्स, ढेर सारे वाइट स्टार्स। बाल तो तुम्हारे सूख गए हैं। ठीक है, सोने की तैयारी करो। बट पहले सुबह स्कूल की, फिर लेट हो जाते हैं हम, बस छूट जाएगी, मैं नहीं ले जा पाऊंगी स्कूल तक। ओके ओके मम्मा। ओ छोटू मम्मा बैग लग गया? कोई बात नहीं, लगा लेना। चलो हम व्लॉग एंड कर रहे हैं, से बाय टू एवरीवन। टेक केयर, हैव फन, है ना। जितने भी लोग हमारे ब्लॉग देख रहे हैं वो सभी हैप्पी रहने चाहिए ना, हेल्दी रहने चाहिए। आप सब हैप्पी और हेल्दी रहो। टेक केयर, बाय। स्प्रेड लव, एक्चुअली नॉट हेट्रेड।